अगर इनको अभी तक 10 रुपए या 5 रुपए की एक टैबलेट भी उन्होंने दी दी है। वहाँ पे जाके बड़े प्यार से लोगों को टेस्टिंग करने के लिए बुलाना चाहिए। जो थोड़ा गरीब तबके से ताल्लुक रखता है उसके ऊपर पड़ जाते हैं सर, बड़े इस बड़ी ताकत से जाते हैं, आगे बेचारे हरासमेंट करते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट भद्रवाह में जब से कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं तब से जो मुहिम है रैपिड एंटीजन टेस्ट की वो लगातार जारी है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मेडिकल जो है मेडिकल टीम या प्रशासन के लोग जो है वो किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या सैनिटाइजेशन जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से हो रही है। जो पॉजिटिव पाए जाते हैं क्या उन्हें ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है, क्या उन्हें जो है मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, ऑक्सीमीटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या जो है ग्राउंड सिचुएशन जो है भद्रवाह की है, काम कर रहे हैं प्रशासन के लोग वो किस तरह का काम कर रहे हैं, इस बारे में हमने आज जानने की कोशिश की कुछ भद्रवाह के लोगों से, कुछ युवाओं ने अपनी राय दी, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जय सिंह राठौर, बीजेपी का प्रभारी चराला इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी उदराना भद्रवाह का हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे कि कल यहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव निकले हुए, पिछली बार भी इन्होंने कैंप लगाया, पिछली बार भी कुछ पॉजिटिव निकले हुए, उदराना हुआ, सुलबाग हुआ, डंडी हुआ, ग्वाड़ी हुआ, गाठा हुआ। मैं हैरान हूँ इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये पॉजिटिव निकले हुए घर में इन्होंने बैठा कर रखा हुआ है, बोलते हैं कि 14 दिन आप इधर, 15 दिन अपने घर के अंदर बैठे हो, मगर इनको अभी तक 10 रुपए या 5 रुपए की एक टैबलेट भी इन्होंने दी दी है। इनको कोई इन्होंने जो ये बेचारे पॉजिटिव निकले, इनको कोई पूछने वाला भी कोई नहीं, इनको घर में भी कोई नहीं गया इनका पूछने कि आपको कोई 10 रुपए की कोई टैबलेट दी जाए, कोई कुछ दिया जाए। अगर खुदा ना खास अगर कल कल अंदर रात को कुछ अगर इन हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? पीछे से मोदी जी इतने फंड्स भेज रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, ग्राउंड लेवल पे तो जीरो ही जीरो है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं डीसी साहब से एक दरख्वास्त करता हूँ कि बेचारे ये जो पॉजिटिव जो निकले हुए हैं इनको दवाई तो प्रोवाइड किया जाए, इनको दवाई तो दिया जाए, अगर ये इनको दवाई नहीं देंगे तो ये तो मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये जाएंगे कहाँ? ये अब ये बेचारे जो गरीब लोग हैं बेचारे। दरख्वास्त करता हूँ एलजी साहब से भी और गवर्नर साहब से भी, ये इसके डीसी साहब से भी, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हाईलाइट हो। और दूसरी बात ये है कि कल जो टेस्टिंग हो रही थी, एक कुर्सी के ऊपर 50 बंदे बैठा रहे हैं, ना उसको कोई स्प्रे हो रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। मैं हैरान हूँ, या तो खड़े उन पर उनका टेस्टिंग किया जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना कि जो कुर्सी पर बैठा है कोई पॉजिटिव आ रहा है, वो जो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला उसको भी उसमें बैठा रहे, नेगेटिव वाले उसमें बैठा रहे, पॉजिटिव आ रहा है वो चल रहा है, स्प्रे कुछ नहीं हो रहा है, ये तो दिखलावा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते कि रूल एंड रेगुलेशन पर ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल सही काम हो और गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाए। हम यही गुजारिश करता हूँ, बस इसमें इनका बिल्कुल मिसबिहेवर है, इस पे ये बड़े जब भी ये जाते हैं बड़े इस बड़ी ताकत से जाते हैं, आगे बेचारे हरासमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको बड़े प्यार से और बड़े प्यार से इनको बुलाया जाए तो ताकि वो आगे आए और अपना टेस्टिंग करवाए। ये जब भी जाते हैं हरासमेंट करते हैं, आगे बेचारे आगे वो डरे हुए हैं, खौफ खाए हुए हैं, इससे कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो रहा है। परेशानी हमें ये है कि हम गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि इनको बिल्कुल प्यार से बुलाया जाए। टेस्टिंग आज आप देख रहे हैं, पिछले 5 दिन से कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर हुए हैं भद्रवाह के अंदर और टेस्टिंग भी बहुत हो रही है यहाँ पर, तो दिन के ऑलमोस्ट कभी 50 केसेस आ रहे हैं, कभी 85 के आसपास भी केसेस हमने देखे भद्रवाह टाउन के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से ये टेस्टिंग हो रही है, मुझे लगता है लोग भी काफ़ी पैनिक हो गए हैं इससे, तो जो चाहता है टेस्ट करना तो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी देखा गया कि ज़बरदस्ती भी हो रही है। तो इससे आप देख सकते हैं पूरी भद्रवाह के अंदर, पूरी भद्रवाह की कस्बे की बात मैं करूँगा, कि लोग कितने पैनिक हैं, परेशानी में हैं,
डर रहे हैं कि टेस्ट जो हो रहे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, एक अच्छा स्टेप मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक अच्छा स्टेप लिया गया है, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन है मेरा कि अगर जो टेस्ट करना चाहता है तो उसका ही टेस्ट करें, ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें। अगर किसी के सिम्टम्स हैं तो वो टेस्ट कराने जा सकता है, उसको आप बोल सकते हैं कि आप टेस्ट कीजिए, लेकिन जो बिल्कुल कोई रास्ते चल रहा है बंदा उसको खींच के अंदर ले रहे हैं आप जी टेस्ट कीजिए, तो ये तो सरासर जुल्म है। इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत पैनिक फैला हुआ है, आप खुद देख सकते हैं इस वक्त तो भद्रवाह में इस वक्त तो कितना पैनिक फैला हुआ है। मैं तो डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूँगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट हरास हो गया है इस टेस्टिंग की वजह से। तो रैपिड टेस्टिंग हो रही है और इसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए, लोगों की राय भी लेनी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग, आई थिंक ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए इनको, थोड़ा जो चाहते हैं टेस्ट करना उनके ही टेस्ट करें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने एक बोला गया एक सर्कुलर निकाला है कि 60 एबो जो हैं जो भी हैं उनका टेस्टिंग करना बहुत लाजमी है, लेकिन एक चीज़ ये भी देखी गई यहाँ पे जो आते हैं सारे यहाँ के नोडल ऑफिसर्स हों बाकी लोग हों वो बिल्कुल पड़ जाते हैं, और जिनके पास अप्रोच होती है उनको कोई नहीं लेता टेस्ट करने के लिए, वो भी देखा गया यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत नरमी यहाँ पे रखनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ पे, मैं इस हिसाब से भी गुजारिश करूँगा थोड़ा बहुत इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा तवज्जो दें। देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि भद्रवाह में आए दिन COVID-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन अपना हर एक इनिशिएटिव ले रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, स्प्रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात भी कहना चाहते हैं कि ये जो टेस्टिंग जो हो रही है इसमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान दिया जाए। जैसे कि जब टेस्टिंग होती है तो उसको वो हमने देखने में आया कि वो ओपनली टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई वैसे इंतज़ाम नहीं किए गए हैं कि वो एक ओपन प्लेस में ही हो, लेकिन वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उस पेशेंट को नहीं देख पाए जहाँ जो टेस्ट करवा रहा है, और एक ही चेयर पे बैठ के टेस्टिंग हो रही है, और नेक्स्ट जो पेशेंट है उसी चेयर पे आके टेस्ट करवा रहा है, जिससे कि स्प्रेडनेस का खतरा बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि जो सैनिटाइजेशन विंग है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जा, और मुकम्मल तौर पे वहाँ पे सैनिटाइजेशन की जाए उस चेयर की बार बार, जब भी कोई पेशेंट नेक्स्ट टाइम बैठता है या स्टैंडिंग पोजीशन में टेस्ट लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये देखने को मिला कि ये जो टेस्ट करवाने के लिए लोगों को हरास किया जा रहा है, घर घर जाके आवाज़ें मारी जा रही हैं, कुछ लोग बेल्ट फोर्सेस के और कुछ सिविल सर्विसेज के वहाँ पे लोगों को आवाज़ें मार मार के बुला रहे हैं, डरा धमका के बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि घर में पेशेंट भी हैं, हार्ट पेशेंट भी है, ओल्ड एज लोग हैं, और कुछ घरों में तो लेडीज़ अकेले भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कम से कम एक या दो लोगों को वहाँ पे जाके बड़े प्यार से लोगों को टेस्टिंग करने के लिए बुलाना चाहिए। और साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी ने ये मुहिम छेड़ी है, लेट्स फाइट फॉर दी कोरोना पेशेंट्स, क्योंकि जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं ऐसा देखने को मिला है कि जब वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती, सिर्फ एक बोर्ड लगाया जाता है बाहर, उसके बाद में ना उनको ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया जा रहा है, ना कोई वैसी मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जा रही है, ना थर्मामीटर उनका प्रॉपर चेकअप हो रहा है, और उनको आइसोलेशन में छोड़ दिया गया है। और इससे क्या है कि एक डर का माहौल उन पेशेंट के बीच में बन चुका है, और हमारी रिक्वेस्ट है फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनके जिनके घर में पॉजिटिव पेशेंट आए हैं वो भी अपने जो पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उनका अच्छी देखभाल करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सैनिटाइज करें प्रॉपर। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक और मांग रहेगी कि आपने कितने घरों को अभी तक सैनिटाइज किया है जहाँ पे COVID-19 पेशेंट निकले हैं, और कितने ऑक्सीमीटर आपने प्रोवाइड किए हैं, इसमें आपने अपनी सुरक्षा आपके हाथ है, आप टेस्ट करवाएं लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए। थैंक यू।